हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल सेफ। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक दुर्गा पूजा मेकअप लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल है गाइस, और आप घर में इजीली तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गाइस, जो कि मुझे अच्छा लगा, और ऑल लुक जो है वो अच्छा है। कैसा है गाइस, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, उसको देखने के लिए आपको मेरा वीडियो ज़रूर एंड तक देखना पड़ेगा। एंड अगर आप मेरा वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, और गुड वाइब्स का सीरम है, रोज़ ही प्रेसिडेंट ग्लो फेस सीरम। अच्छा सीरम है, अच्छे से स्किन पे ऑब्जर्व हो जाता है। मैं उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, 3-4 बूंद करके मैं उसको लिया है और अपने पूरे फेस पर लगा लिया है। उसके ये आफ्टर मॉइस्चराइज़र मैंने इसका यूज़ किया था। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र पर जाऊँगी। मॉइस्चराइज़र की बात करूँ तो मैं बायोटिका आयुर्वेदिक बायो मॉर्निंग नेचर मॉइस्चराइज़र है, जो स्किन ड्राई है और ऑयली है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने डैप डैप करके पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, नेक पर भी कर लिया है, और थोड़ा रिलैक्स फील कर ला, जो कि बहुत ज़रूरी है मेकअप में। और उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ गाइज। ये प्राइमर है, पर्पल का प्राइमर है, ट्रू ज्वेल 24 के गोल्ड प्राइमर। बड़ा ही शाइनी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर जैसा कुछ आता है, तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे ये प्राइमर। उसके बाद मैं ब्राउज को फिल करूँगी। उसके लिए मैंने एक ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउज को थोड़ा शेप देने दे रही हूँ, ताकि मैं जब तक मैं अपनी ब्राउज को फिल करूँ तो ये अच्छे से शेप हो जाए उसका। तो यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मैंने अल्टीमेट ब्राउ किट यूज़ किया है। अभी तक की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है गाइज, मैंने यही पैलेट यूज़ की है। अच्छी पैलेट है, अच्छा इसका रिजल्ट है, मुझे अच्छी लगती है, और इसकी मैं काफ़ी तारीफ भी कर चुकी हूँ, और अभी तक मैंने इसी का यूज़ किया है गाइज। और ये देखिए, मैं अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी, ये देखिए, ये बेंगोली मेकअप है। और लेकिन मैंने फिर भी क्विक सा मेकअप किया है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, घर में अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट मेकअप होता है गाइज, और तो बड़ा ही अच्छा लगता है करने में भी। चलो डन हो गया है मेरा ब्राउज दोनों। उसके बाद मैं कंसीलर पर जाऊँगी। कंसीलर के लिए मैंने मेबलिन न्यूयॉर्क का मैंने यहाँ पर कंसीलर यूज़ किया है, इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर मल्टी यूज़ कंसीलर है गाइज। अच्छा है, मैंने लाइट लाइट ही इसको थोड़ा लगाया है अपनी आईज़ पर, और एक ब्रश की हेल्प है मैं उसको अपनी आईज़ पर मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए, थोड़ा लाइट ही लगाना चाहिए, ज़्यादा लगाते तो थोड़ा सा भी एकदम से वाइट वाइट हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जहाँ पर भी मुझे रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल हैं, जो मैं अपने पूरे फेस पर इसका अप्लाई कर लिया है विद नेक, नेक पर भी मैंने थोड़ा अप्लाई किया ताकि फेस थोड़ा और नेक थोड़ा अलग अलग ना लगे, तो थोड़ा मैंने गर्दन पर भी इसका यूज़ कर लिया। एक ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गीला कर लिया है, और पूरे फेस पर डैप डैप करके उसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, लाइट लाइट से ही लिया है, फेस थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। उसके बाद मैं फाउंडेशन पर जाऊँगी। वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है गाइस। मेरा शेड है क्लासिक बीच। आपका कोई भी शेड जो भी मैच करता है फेस से, वही लगा लेना चाहिए। आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं गाइस, मुझे अच्छा लगता है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है, और वही जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसी के हेल्प से मैं पूरे फेस पर, नेक पर उसको मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए, फेस एकदम डिफरेंट लगता है। अच्छा फाउंडेशन है गाइस। अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद जब तक पूरा मेकअप कंप्लीट होता है तो लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा रफ है लिप्स तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने निविया का पीच शाइन लिप बाम यूज़ किया है। उसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए
पर्पल का गोइंग बनाना बेक एंड सेट बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये पाउडर मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा है और मेरा फेवरेट ही हो गया है समझो। मुझे ये लगाने में इतना सॉफ्ट होता है और इतना अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बड़े ही अच्छा लगता है मुझे ये। उसके बाद मैं अपनी आईज़ को लाइनर की हेल्प से लाइनर में लगाऊंगी। तो यहाँ पर स्विस ब्यूटी का जेट ब्लैक आईलाइनर मैंने लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइनर लगा मुझे गाइस। और मैं अपनी आईज पे उसको लगा लूँगी अपर, और थोड़ा मैंने उसको अपर लेस लाइन पर मैंने उसको अप्लाई किया है गाइस, और मैंने बाहर की साइड भी थोड़ा सा किया है। तो दोनों आईज पे मैंने लाइनर का अप्लाई कर लिया है गाइस, वो डन हो गया है। उसके बाद मैंने काजल यूज़ किया है गाइस, एसक्यू का स्टे क्विकली का आई लव यू टू काजल है। ये मुझे बड़ा ही अच्छा काजल लगता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इजीली लग जाता है। इसे लाइनर भी आपका इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे काजल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपने आउटर पर इसका यूज़ कर रही हूँ गाइस। थोड़ा बंगाली लुक है तो यहाँ पर मैंने ब्लैक आईज बनाने के लिए सोचा है। मैंने कोई गोल्डन या सिल्वर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मैंने अपनी क्रीज तक इसको फैला लिया है और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं वहाँ पर उसको स्मच कर लूँगी। ये देखिए धीरे धीरे मैंने उसका स्मच कर लिया है। और ये जो मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है गाइस। और ये देखिए मैंने दोनों आईज पर इसको अच्छे से स्मच कर लिया है। उसके बाद मैं आई शेडो पैलेट पर जाती हूँ, स्विस ब्यूटी का फैशन आर्टिस्ट आई शेडो एंड ब्लहर पैलेट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। लाइट लाइट मैं इसको लगा लूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। और ये देखिए मैंने आउटर पर थोड़ा डार्क लगाया है, उसके बाद वहीं से पूरी आईज पर उसको कवर कर लूँगी। ये देखिए अच्छी पैलेट है गाइस, इसके साथ शिमर भी आता है। तो ये नॉर्मली क्या है, आप एज ए फिंगर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आई शेडो लगाइए उसके ऊपर शिमर लगाइए तो हो गया है बस। तो उसी का मैंने देखो एज ए फिंगर मैं एक शिमर लगा रही हूँ। कलर थोड़ा हल्का सा शाइनी है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है कि एकदम से अट्रैक्ट करे, लेकिन अच्छा शेड इसमें दिया हुआ है। अच्छी पैलेट मुझे ये लगी है। तो मैं फिंगर की हेल्प से उसको स्मच कर लूँगी। तो नाइस मेरी डन हो गई है गाइस। उसके बाद मैं क्रीज के लिए मैंने जो है एसडी प्रोफेशनली आई शेडो यूज़ किया है, स्विस बीटी का है। मैंने इसको पहले भी वीडियोस में यूज़ किया है गाइस 40 कलर से। तो क्रीज पर मैं उसको थोड़ा शेड दिया, एक ऑरेंजिस सा कलर दिया है, और धीरे धीरे उसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी वहाँ पर। और ये देखिए अपनी क्रीज से लेके लिड तक मैंने उसको स्मच कर लिया है ताकि थोड़ा अलग लगे। उसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर इसका, अंडर वाटर लाइन पर मैं इसका काजल का यूज़ कर रही हूँ गाइस। काजल मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है। ये देखिए दोनों आईज पे मैं इसका अप्लाई कर लूँगी गाइस। ये देखिए ब्लैक है और आईज ब्यूटीफुल लग रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लाइनर का भी यूज़ किया है गाइस। वाटर लाइन पर मैंने लाइनर से काजल को अच्छे से मतलब स्मच किया है। काजल को अच्छे से लगाने के बाद फिर मैंने उसको थोड़ा ब्रॉड करने के लिए, आईज मेरी स्मॉल है तो उसके लिए मैंने लाइनर का भी यूज़ किया है गाइस। ये देखिए आईज थोड़ा ब्रॉड जैसी होनी चाहिए, जैसे बंगाली मेकअप लुक है तो एकदम जैसे होता है ना, एक आईज एकदम बड़ी बड़ी सी आंखें होती हैं तो बड़ी ब्यूटीफुल लगती हैं। तो एक जो मैंने अपनी इस पर ऑरेंजिस सा कलर लिया था वही मैंने अंडर वाटर लाइन पर भी उसी को एक ब्रश की हेल्प से मैंने उसको लगा लिया है। थोड़ा डिफरेंट लगती हैं आईज, दोनों आईज पे मैंने डन हो गया है। आईलेशेस जो हैं गाइज वो मैंने ब्रोसम प्रोफेशनली PACM 72 जो कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और मुझे बड़े ही अच्छे लगे गाइज। उसके बाद मैं ब्लश पर जाऊंगी गाइज, थोड़ा स्माइल देख के। इवाना की अल्ट्रा ब्रश पैलेट है गाइज, बड़ी अच्छी पैलेट है। और मैं यहाँ पर मैं स्माइल देख के दोनों एक
ब्रश की हेल्प से। और ये मेरी ब्रश, जो ब्रश यूज कर रही हूँ, जो पैलेट रोजिया का है गाइज, उसके बाद मैं हाइलाइटर करूंगी। हाइलाइटर के लिए मैं नायका पर गई हूँ गाइज, नायका का हाइलाइटर है जो कि मेरा फेवरेट है, तो इस वीडियो में वही यूज कर रही हूँ। अब जहां पर मुझे अपने फेस को हाइलाइटिंग करना है तो मैं वहां पर हाइलाइटर का यूज करूंगी और एक हाइलाइटिंग ब्रश की हेल्प से उसको स्मच कर लूंगी। ये देखिए, हाइलाइटर लगाने से फेस पर जो ग्लो आता है गाइज, वाओ, मन करता है कि पूरे फेस पर उसी का अप्लाई करें फर्स्ट। ये देखिए, अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया अपने नोज़ पर, अपने फेस पर, अपनी चिन पर, जहाँ पर भी मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है, मुझे हाइलाइटिंग करना है अपने फेस को, वहाँ पर मैंने अपने हाइलाइटर का यूज़ किया है गाइस। और डिफरेंट फेस हो जाता है, एकदम से ग्लोइंग हो जाता है। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, सभी लोग जानते हैं नायका के प्रोडक्ट सभी अच्छे होते हैं। एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईज पर भी, जहाँ पर मैंने टी ड्रस्ट है वहाँ पर मैंने किया है, तो अच्छे से शाइन आती है, बड़ा ही डिफरेंट आईज लगती है। यहाँ पर किसी भी एनी कलर का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में है। मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लगाया है, उसके बाद मैं लिपस्टिक पर जाऊँगी। लिपस्टिक का जो शेड है वो मेरा एसक्यू स्टिक क्विकली लिक्विड लिपस्टिक है गाइज, टू होट फॉर डेट नाइट 7। वाओ, बहुत ही प्रीटी कलर है। तो यहाँ पर मैंने मरून सा शेड लिया है गाइज, ये देखिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है फेस पे, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छे शेड्स हैं इसके। और एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा गाइज, लिपस्टिक लगाने से एक फेस एकदम डिफरेंट हो गया है, बड़ा ही शाइनी से ब्राइट से कलर है। चलिए, मेकअप हमारे मेरे फेस का हो गया है डन, उसके बाद मेरा गाइस फाइनल मेकअप लुक हो गया है। और यहाँ पर मैंने एक रेड बिंदी का यूज़ किया है, बड़ा सा सिंदूर लगाया है, जैसे कि सबको मालूम है कि एक बंगाली लुक है, बालों को थोड़ा स्ट्रेट कर लिया है। नेकलेस जो है गाइस वो मैंने अमेजोन से परचेज किया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। और ये बैंगल्स मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था, वाइट एंड रेड मिक्स करके मैंने थोड़ा गोल्डन उसमें लगाया है, क्योंकि ये मेकअप करते समय मैंने बड़ा ही इन्जॉय किया है गाइज। और ये मेकअप लुक मेरा कैसा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड फाइनली मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और दैट्स इट।